नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है रिलायंस पावर लिमिटेड का। दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड का शेयर आज के दिन 4 रुपए 55 पैसे पर चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात की जाए तो यह इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1995 को हुई थी, 26 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे धीरू भाई अंबानी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे हैं इलेक्ट्रिकल पावर, नेचुरल गैस। इसके सर्विसेज की बात की जाए, जो यह सर्विसेज प्रोवाइड करता है वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 8,000 से भी ज्यादा इसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो दोस्तों जो ये रिलायंस पावर है काफी अच्छी कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो 12.76 बिलियन का है। और दोस्तों इसका जो बिजनेस एरिया है, जिस बिजनेस एरिया में ये पावर बनाता है वो भी काफी अच्छा है। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से दोस्तों बिजनेस एरिया हैं। जी हाँ दोस्तों, कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो गया, गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो गया, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गया, वाइन पावर प्रोजेक्ट्स हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो गया, इनिशिएटिव्स इन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, कार्बन क्रेडिट्स हो गया। इन सेक्टर्स में दोस्तों, इस बिजनेस एरिया में दोस्तों यह पावर जनरेट करता है। तो दोस्तों इसका जो बिजनेस एरिया काफी अच्छा है और आने वाले समय में दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दोस्तों हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से इसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए। और दोस्तों ये अंबानी ग्रुप की कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी जी इसका स्टॉक खरीद सकते हैं या फिर इसके शेयर होल्डर्स बन सकते हैं या फिर इसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा सकते हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों जो इसका आने वाला समय है वो काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों जो कंपनी के ओनर हैं अनिल अंबानी जी, वे भी काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। वे भी दोस्तों उन्होंने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक यानी कि अपने भाई मुकेश अंबानी जी से जरूर बात की होगी रिलायंस पावर के ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस डील के लिए। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग दोस्तों चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2008 में इसने हाई लगाया था 371.25 रुपए का। दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि 26 मार्च 2020 को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके 19,54,87,901 शेयर परचेज किए हैं। उस टाइम इसका प्राइस 1 से 1.5 रुपए था। तो दोस्तों इतनी दिग्गज बड़ी कंपनी ने इतने बड़े शेयर्स खरीदे हैं इतनी अधिक मात्रा में, तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HDFC ने इसके 19,54,87,901 शेयर्स परचेज किए हैं और अभी पोजीशन बनाए हुए हैं, 1 से 1.5 रुपए में इसने खरीदा है। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए और इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 4 से 5 साल में यह स्टॉक 197 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।